यही ना होगा। आप लोग कितने मांग कर रहे हैं, आप लोग कितना वेतन होना कितना होना चाहिए ये नहीं, मैं समान काम समान वेतन, वही वहाँ पर टीचर के 60,000 है, हम लोग का 8,000 है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम लोग जदयू कार्यालय इसलिए घेराव करने पहुँचे हैं कि क्योंकि जदयू की सरकार है, हम लोग सरकार के नजर में आना चाहते हैं, उनके संज्ञान में आना चाहते हैं कि मांग है कि खेलो और मेडल लाओ, नौकरी पाओ। तो वो क्या स्कूल में बच्चे को सिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पो नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। शारीरिक शिक्षक हैं जो जदयू कार्यालय को घेराव करने पहुंच गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम शिक्षक हैं वो जदयू पार्टी कार्यालय को घेराव करने पहुंचे। इनका साफ तौर पर ये मांग है कि हमें सामान्य वेतन दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर जो तमाम शिक्षक हैं जो पहुंचे हुए जदयू कार्यालय को घेराव करने, हम इन्हीं से बात करेंगे। आप लोग आज जदयू कार्यालय को घेराव करने क्यों पहुंचे। हम लोग जदयू कार्यालय इसलिए घेराव करने पहुंचे हैं कि क्योंकि जदयू की सरकार है, हम लोग सरकार के नजर में आना चाहते हैं, उनके संज्ञान में आना चाहते हैं कि मात्र हम लोग की सैलरी 8,000 है। हम लोग घर से 100-200 किलोमीटर दूर जाते हैं, हम लोग का तेल भाड़ा भी नहीं निकल पाता है, घर कहाँ से चला पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह एक अनिवार्य विषय है शारीरिक शिक्षक, लेकिन हम लोग की सैलरी मात्र 8,000 है, क्या होगा। आप लोग पहुँचाएं बात। कितना मांग कर रहे हैं आप लोग। कम से कम मिनिमम सैलरी हम लोग की 30,000 से 35,000 होनी चाहिए, और हमारे जो पुराने शिक्षक हैं उसकी सैलरी अभी 40,000 से 45,000 है। मात्र 8,000, ये तो एक मजदूर का भी जो है सैलरी नहीं होता होगा। तो आप बता सकते हैं कि ये 8,000 में क्या होगा, आखिर कैसे हम लोग अपना जीवन बसर करेंगे। इसीलिए जदयू कार्यालय आए हैं कि सरकार को संज्ञान में दे कि हम लोग का वेतन विसंगति को दूर किया जाए। धन्यवाद। क्या लगता है आप लोगों की जो मांग है सरकार सुनेंगे। हमें तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, फिर भी उम्मीद लेके आए हैं कि सरकार हमारी बातों को कुछ सुने, क्योंकि जहाँ से हम स्कूल जाते हैं वो 45 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से सफ़र करते हैं, फिर जो है टेम्पू से सफ़र करते हैं, 4,000 तो यूं ही खर्च हो जाती है, तो 8,000 में हमारा गुजारा कैसे होगा। क्या सोच के सरकार ने 8,000 दिया। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनकी वेतन है 8,000 रुपया वो बढ़ाया जाए। एक सवाल है कि आप लोग मांग कर रहे हैं लंबे समय से, आप लोगों की मांग नहीं सुनी जा रही, तो क्या लगता है सुनेंगे आप इस बात। उम्मीद है कि सुन ले, क्योंकि बहुत संघर्ष कर रहे हैं, एक साल होने चला है लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ आप सड़कों पर हैं, बेटियां का नौकरी में रहते हुए आप लोग सड़क पर हैं, तो क्या लगता है कि आप लोगों की सरकार को सुनने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम लोग के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ऐसा बोलते हैं कि खेलो और मेडल लाओ, नौकरी पाओ, तो शारीरिक शिक्षक ही जब सही से अपना भरण पोषण नहीं कर पाएंगे तो वो क्या स्कूल में बच्चे को सिखाएंगे और क्या मेडल लाएंगे राज्य के लिए, देश के लिए। तो जिस तरह से कहें तो इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि खेलो और मेडल लाओ। एक सवाल है कि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री बीते दिन भी बोले थे कि खेलो और मेडल लाओ, और आप लोग शारीरिक शिक्षक हैं, आप लोग की मानदेही इतने जैसा वो पैसा वैसा काम, यही ना, बच्चा नहीं पढ़ेगा, हम लोग का पेट नहीं भरेगा तो हम लोग पढ़ाएंगे कहाँ से, यही ना करेंगे। तो हम लोग सरकार से मांगने आए हैं, हो सके दे दें तो बच्चा पढ़ेगा, यही ना होगा। आप लोग कितने मांग कर रहे हैं, आप लोग कितना वेतन होना कितना होना चाहिए ये नहीं, मैं समान काम समान वेतन, वही वहाँ पर टीचर के 60,000 है, हम लोग का 8,000 है। अच्छा लग रहा है 8,000 में पेट भरने वाला है। जो तमाम शारीरिक शिक्षक हैं वो समान वेतन समान मांग को लेकर आज जदयू कार्यालय को पार्टी घेराव करने पहुंचे हैं, और साफ तौर पर कहना है कि हमें वेतन दे, नहीं तो जैसा आप वेतन दीजिएगा वैसा काम दिखेगा। इस तमाम खबरों को बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।